हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं गौरव। ऋषिकेश में हमारा आज कौन सा दिन है पता नहीं, भूल गया मैं तो। और हम लोग है ना, अभी यहाँ से है ना, मतलब हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हैं। तो सामान की पैकिंग हो रही है, देखिए। फोन ही संभाल रहा है अभी तक, छोटा मोटा सामान है खुद का जो पैक कर रहा है। और ये मैम साहब है हमारे, ये सामान पैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगभग सारा सामान पैक कर हो गया है। अभी छोटा मोटा सामान जो पीछे बचा हो वो पैक कर देंगे। फिर 2 दिन वही हरिद्वार में स्टे करने का मन है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और निकलने से पहले मतलब हम पूरा इसका क्लीनिंग कर रहे हैं, आश्रम के कमरे का। वैसे साफ ही रखते हैं हम, लेकिन फिर भी सारा सामान खाली हो गया है, और बस अब प्रस्थान करेंगे। ये भी पूरा क्लीन कर दिया है, तो कमरे की सफाई तो हो गई है, जैसे हम आए थे, जैसा हमको मिला था, हमने वापस इसको एज इट इज़ कर दिया है। और ये कुछ प्लांट्स हैं श्रीमती जी ने यहाँ से लिए हैं। नीचे रामायण पाठ चल रहा है, और बड़ा स्पिरिचुअल माहौल हो रखा है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, तो ये बर्तन वगैरह जो लिए थे यहाँ से जमा करवाएंगे, यहाँ ले जा करके वापस। बस अब बर्तन लेके जा रहे हैं। आओ सर, चलते हैं। ये यहाँ अभी नवान पारायण का पाठ शुरू होगा, और ये पूरा हॉल भर जाएगा यहाँ पर अभी। थोड़ी देर बाद में यहाँ के परमार्थ की कैंटीन में आ गए हैं, और आलू का पराठा और ये सब ले रहे हैं। कुशाग्र ने अपना नाश्ता कर लिया था, मैं नहाने गया था तब तक। फिर नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। परमार्थ की ये जो कैंटीन है, यहाँ से जा रहे हैं, और मे भी अगर टाइम हुआ तो लंच के लिए यहाँ पे आएंगे। आपको पता है, आपने एंड गेम इन्फिनिटी देखी है? उसके अंदर वो होता है ना कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा होके चला जाता है, और फिर बाद में है ना वो इंडिया आ गया था। तो इंडिया आके है ना उसने यहाँ ऋषिकेश में योगा सीखा था, और योगा सीख के है ना अपनी शक्ल चेंज कर ली। आपको मिलवाएं कैप्टन से? ये रहे कैप्टन साहब, देखिए है ना। थैंक्स थैंक्स। और ये लगा चौका। ये है माँ गंगा का तट, किनारा, घाट। ये है राम नाम स्तंभ। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ लोग हवन भी करवाते हैं अपने। और ये यहाँ पे बना हुआ है स्त्रियों के कपड़े चेंज करने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे कान भी साफ कराते हैं बैठ करके, जैसे ये भाई साहब करवा रहे हैं। तो यहाँ कान साफ हो रहा है, गंगा किनारे कान की सफाई। चलिए चलते हैं। मारो ना थोड़ा, तभी मजा आएगा ना। तो हम लोग अभी कुकरेजा भैया, क्या नाम है? पंकज कुकरेजा। पंकज जी कुकरेजा है, इनकी शॉप का नाम है कुकरेजा जनरल स्टोर। कुकरेजा जनरल स्टोर इनके यहाँ पे है ना रीजनेबल प्राइस के अंदर है ना मेरे को एक्चुअली है ना हैरम मिले हैं, जो मैं ढूंढ रहा था लगभग पूरे ऋषिकेश में मुझे नहीं मिले, यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में मिले हैं, मैंने यहाँ से लिए हैं। और आप भी यहाँ आओ ना तो ज़रूर ट्राई करना। मैं लक्ष्मण झूला, राम झूला सब जगह घूमा हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सही प्राइस में मिला है, तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आओ यहाँ पे। तो हमारी है ना अभी ऋषिकेश में ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हो गई है, और आज लास्ट डे है, आज हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ। और आज हम लोग जा रहे हैं, ये बड़े प्यारे स्टैचूज हैं भगवान शिव के। और फाइनली वी आर लिविंग टुडे,
आफ्टर लिविंग 9 days मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का अभी भी, तो आई होप कि हम लोग जल्दी ही आएंगे वापस। तो फाइनली गीता भवन से प्रस्थान हो रहा है। 6 साल बाद आया था मैं यहाँ पे, 7 साल बाद, 2014 में आया था और 21 में आया हूँ वापस, इसी लगभग इसी महीने में अगस्त में आया था मैं। बहुत याद आने वाली है यहाँ की, यहाँ से आई विल मिस दिस व्यू। 5 नंबर गीता भवन का व्यू हालांकि ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा दिखता है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं, मतलब पूरा स्टे हो चुका है हम लोगों का। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे हरिद्वार एंड फिर हरिद्वार से जोधपुर। अभी यहाँ पे एक दादाजी हैं, गुरुजी भी हैं, पंडित जी भी हैं, सब कुछ है। तो उनके लिए ना वो लेना है मुझे, गंगा जल लेना है। तो बस अभी हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं जानकी सेतु के पास, हमारे पीछे ही है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से सीधा जाएंगे उस साइड पे, वहाँ से हम लोगों को मिलेगी टैक्सी जिससे हम लोग जाएंगे यहाँ से हरिद्वार। एंड तो फिर अभी चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लगेज कैरी करने में। तो हम लोग फाइनली अभी है ना टेम्पो में बैठ गए और है ना हालत पतली हो गई है। तो अगर आपके पास में ज़्यादा सामान हो ना तो आप कार कर सकते हो, क्योंकि जानकी सेतु पे ऑटो वगैरह कुछ नहीं चलता है, पैदल या टू व्हीलर चलता है। होटल ये गली में सामने बोर्ड लगा हुआ है ना वो, हाँ इस गली में ले लो। हाँ हाँ लेना है। हाँ ले लो। तो हम लोग अभी आ गए हैं हरिद्वार में, धर्मशाला में, और ये है धर्मशाला, जोधपुर धर्मशाला है भवन नंबर 2। और ये देखिए मैडम जी ने आते ही हाथ में झाड़ू ले लिया है, सफाई कर थोड़ा 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 डस्ट था, इनको सुहा नहीं रहा था। बहुत बढ़िया कमरा है, बहुत ही बढ़िया गद्दा है। तो इस समय 6:15 बज रहे हैं करीब, और हम लोग घंटा भर रेस्ट कर, 5:15 करीब पहुंचे थे हम लोग, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में हम लोग निकले हैं जोधपुर भवन नंबर 2 से। अब निकलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ जाना हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं, चेक करते हैं एक बार। पॉसिबल हुआ तो हरकी पौड़ी जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही थोड़ा बहुत घूम घाम के वापस आ जाएंगे। हरिद्वार में ऐसा सीन है कि आप जिस तरफ देखोगे ना, आपको वहीं पे या तो होटल दिखेगी या आपको धर्मशाला दिखेगी। तो हम लोग अभी है ना भीमगोड़ा उतर गए हैं,
और यहाँ से हमने डिसाइड किया है कि हम वॉक करते हुए ही जाएंगे। तो यहाँ पे मास्क लगाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग होकर के आए थे, और यहाँ से लेफ्ट में नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतरती है जो ब्रिज के ऊपर से होकर चला, थोड़ा व्यू मिल जाएगा। तो ये है हरकी पौड़ी की तरफ जा रहे हैं हम अभी। यहाँ में और ऋषिकेश में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। आपको एक आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। तो हम लोग है ना अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। तो ये यहाँ सामने है ना अग्रवाल भवन है, यहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ अग्रवाल भवन में आए हैं, ये कैंटीन है यहाँ की और अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, लेकिन खाए हुए भी लगभग 3-4 साल हो गए हैं। तो अब फिर से आज लेंगे, 8 बजे चालू होता है यहाँ पे शाम को खाना, और मेन्यू है ना वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं अभी आते हैं। अच्छा इन्होंने बताया आपको? अच्छा मेन्यू वो नहीं लगा, वो है वो नहीं लगा हुआ है, मतलब जो लगा हुआ है वो नहीं है। यहाँ सफाई की भी एकदम प्रॉपर व्यवस्था है, मस्त एकदम। और हमने चाय ऑर्डर की है 10 रुपये में एक ग्लास भर के चाय। तो आपने अलग अलग टाइप के ना फुल डाइट देखे होंगे, आज मैं आपको एक नई टाइप की फुल डाइट दिखाता हूँ। कैमरा इतना नज़दीक है इसलिए क्योंकि आसपास लोग बैठे हैं, आइए दिखाता हूँ। देखिए नहीं नहीं ये नहीं, ये देखिए गर्मा गर्म सब्जी सर हो रही है। ये काय की सब्जी है? ये हमारी मटर पनीर की सब्जी, दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है। गाइस यहाँ पर चल रही है WWE की लड़ाई है भैया भैया। मैं भी ऐसे ही कूटता हूँ आदिवादियों से, कुटीजता हूँ, कूटता तो उनको हुई नहीं, मैं उनसे कुटीजता हूँ उल्टा। तो ये है वो धर्मशाला, अग्रवाल भवन नाम है इसका, और अच्छी धर्मशाला है ना, शानदार, बहुत अच्छी धर्मशाला है, अच्छी बनी हुई है। ओपी, ये क्या कह रहा है देखो, ओपी ओपी ओपी। यहाँ पार्किंग भी मस्त है यार, है ना, आराम से मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो भी 25-30 गाड़ियाँ तो आराम से खड़ी हो सकती है। बहुत अच्छी बनी हुई है, और यहाँ पे मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ऊपर से भी बंद है। अगर ये बारिश वैसे तो अच्छा है, परमार्थ में भी अपन ने खाना खाया था तो वहाँ पे ना स्वीट नहीं आती थी साथ में थाली में, और वो 80 रुपये की थाली थी, यहाँ स्वीट भी आती है। और यहाँ पे सब्जी कैसे ला के रखी यार, वो पूरा का पूरा वो सब्जी का ही ला के रख दिया, 2 बार चेंज और किया उसको, पूरी सब्जी थी। बस यही है कि इन लोगों का एक ड्रॉबैक जरूर रह सकता है कि ये लोग बोलते हैं हम फुल डाइट देते हैं और फिर पीछे से बोलते हैं पापड़ एक मिलेगा, तो आदमी है ना थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। बाकी 70 रुपये में जितना खाना ये देते हैं ना उतना खाना तो, और वो भी कितना हाइजीन, कुछ का हाथ लग गया था पापड़ को जो वापस गया हाथ धो के, फिर वो सारा सामान लेकर गया। कि व्लॉग में बस इतना ही, आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है हमें बताना जरूर, अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और बेल आइकन जो है ना घंटी भी है उसको दबा देना, और ना ये दोनों काम एक ही बार करना है, ऐसा नहीं मैं रोज बोलता हूँ तो आप रोज दबा दो, तो मतलब और 2 बार तो बिल्कुल मत दबाना। एक जने ने मुझे बोला था कि भाई मेरे को आपका ब्लॉग इतना अच्छा लगा, मैंने सब्सक्राइब का बटन 2 बार दबा दिया तो सब्सक्राइब करके डीसब्सक्राइब हो गया वापस, ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज़, इतने ज़्यादा वो मतलब भाव विभोर मत हो जाना। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।